प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सशक्त नेतृत्व वाली भाजपा ने सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। सामाजिक उत्थान की दिशा में सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें प्रदेश की शराब दुकानों में संचालित 2600 अहाते एवं बार को बंद करने का निर्णय लेकर मुख्यमंत्री ने बहनों और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सजगता का परिचय दिया। साथ में लाडली बहना योजना का शुभारंभ भी किया है। इसे लेकर नगरपालिका परिषद बालाघाट के सभा कक्ष में धन्यवाद सभा आयोजित की गई। इस सभा में नगर की माता बहनें, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन सहित स्व सहायता समूह की महिलाओं के अलावा छात्राओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धन्यवाद सभा में प्रमुख रूप से रेखा बिसेन, शांता तिवारी, लता एलकर, हेमा वाधवानी, संध्या दीक्षित, निर्मला त्रिपाठी, अमिता चौधरी, गरिमा दुबे, सारिका बिसेन, लाजवंती बिरिया, रितु मोहारे, लीना माधवानी, गीता रंगलानी एवं अन्य महिलाओं के साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, पार्षद संगीता थापा, भारती पारधी, संगीता कावड़े, श्वेता जैन, योगिता बोपचे, वीना वर्मा, रैना सुराना, सरिता सोनेकर, वंदना बारमाटे, समीर जायसवाल, उज्ज्वल आमाडारे, यंगराज कारो लिल्हारे, प्रवीण मदनकर, कमलेश पाचे सहित अन्य मौजूद रहे। धन्यवाद सभा के अंत में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत मृत्यु सहायता के तौर पर दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि के चेक का वितरण मृतकों के परिजनों को किया गया। साथ ही खाद्यान्न योजना के तहत हितग्राहियों को पात्रता पर्ची भी प्रदान की गई। और उसके अलावा अभी जो कायाकल्प अभियान के तहत, कायाकल्प योजना के तहत जो बालाघाट को लगभग 2.5 करोड़ रुपए की राशि मिली है, उन सभी रोडों के, सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, जो यातायात में काफी दुविधा उत्पन्न कर रहे थे और एक बड़ा समस्या का विषय बने हुए थे। उसके अलावा जो एक बहुत अच्छी उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए एक सभी महिलाओं के हित की दृष्टि से जो काम किया है कि सभी शराब दुकानों में जो उन्होंने प्रॉपर शराब पीना बंद करवाया है, बिक्री तो चालू रहेगी लेकिन खासकर जब वो महिलाओं के आवागमन का क्षेत्र रहता था और उन रहवासी एरिया में जहाँ शराब दुकानें लगती हैं और वहाँ लोग पी के जो गलत हरकतें करते थे उससे प्राय महिलाओं को बहुत असुविधा होती थी, तो उस पर पूर्ण रूप से उन्होंने बैन किया है। ये बहुत ही अच्छी उनके द्वारा, ये मैं बहुत सारा धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। और आज यहाँ नगरपालिका परिषद में हमने एक यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान रखा है जिसमें पूरे शहर से और ग्रामीण अंचलों से हमारी महिलाएं आ रही हैं, उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित।